आज हम लोग बात करेंगे वैक्यूम के बारे में। किसी भी चिलर सिस्टम में, चिलर प्लांट में, एचवीएसी सिस्टम में या एयर कंडीशनर में, एसी में, अगर हम लोगों को वैक्यूम करना है लीक टेस्टिंग के बाद, नाइट्रोजन से करें या किसी भी चीज़ से करें, अगर लीक टेस्टिंग कर लिया है, रिपेयर कर दिया है, लीक रिपेयर कर दिया है, उसके बाद अगर हम लोगों को वैक्यूम करना है तो उसका सही तरीका क्या होगा, कितना वैक्यूम होगा और कैसे हम लोगों को वैक्यूम करना है और कैसे हम लोगों को पता करना है सही वैक्यूम हो रहा है। अगर आप लोगों को लीक टेस्टिंग से रिगार्डिंग वीडियो देखना है या नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो वैक्यूम का अभी मैं सिर्फ बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं वैक्यूम अभी हो रहा है, वहाँ पे हमारा गेज लगा हुआ है। माइक्रोन में भी आप लोगों को बताऊंगा, माइक्रोन का मीटर आप लोगों के सामने दिखा दूंगा। अभी तो मैं फिलहाल मैनिफोल्ड गेज से कर रहा हूँ, तो मैनिफोल्ड गेज में भी वैक्यूम हो जाता है, माइक्रोन में भी अच्छा होता है। तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रख, कभी भी लीकेज सही रिपेयर करना है, नाइट्रोजन से प्रेशर टेस्ट करना है, कम से कम अगर आपका एयर कूल्ड चिलर है, अगर आपका 22R22 रेफ्रिजरेंट का चिलर है या एचवी सिस्टम है, उसमें कम से कम 300 प्रेशर तो आप लोगों को डाल के चेक करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए उसको कम से कम 12 घंटा, नहीं तो 24 घंटा। अगर 24 घंटा कर सकते हैं तो ओके, नहीं तो 12 घंटा तो कम से कम आप लोगों को होल्ड करना चाहिए प्रेशर। और प्रेशर अगर सेम मिलेगा उसके बाद आप लोगों ने वैक्यूम करना है। तो बड़े जो सिस्टम होते हैं उसमें अक्सर हम लोगों को लिक्विड लाइन भी यूज करना चाहिए। वहां पे आप लोग देखें ये लिक्विड लाइन है, यहाँ पे लगा हुआ है जो गेज है हमारा सक्शन के साइड का, हमने लगाया है लिक्विड लाइन में और वहां पे लगाया हुआ है डिस्चार्ज में। तो लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन को हमेशा करना चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज भी ओके है क्योंकि ये सक्शन से ही जुड़ा हुआ है जहां से मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैनिफोल्ड गेज का ये फायदा होता है। और जो बीच वाला जो जनरल जो हमारा जो कॉमन लाइन है, ये वाला मैं बता दूं आप लोगों को, ये वाला जो कॉमन है रेड वाला, ये हम लोगों ने बीच में लगा हुआ है जो कि वैक्यूम पंप में डाला हुआ है। इसमें आप लोगों को मैं दिखा दूं, शो हियर शो हियर, इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये आप लोग जैसे देख रहे हैं ये गेज है, तो यहाँ पे ये -30 PSI शो कर रहा है और यहाँ पे भी -30 PSI शो कर रहा है। तो हम लोगों को कम से कम वैक्यूम -30 PSI पे लाना चाहिए। और -30 PSI का मतलब ये नहीं है कि एक घंटे में -30 PSI आ गया तो हम लोग छोड़ दें, हम लोगों को एयर भी देखना है यहाँ पे। जैसे आप लोग कम हियर नियर वैक्यूम पंप, यहाँ पे देखें आप लोग, जैसे ये स्मोक निकल रहा है ना, धुआं, ये निकलना जब बंद हो जाएगा और वैक्यूम पंप का साउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो उससे आप लोगों को ये मालूम चलेगा कि हाँ अभी ये वैक्यूम बराबर हो गया है। धुआं निकलना जल्दी बंद हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 घंटा छोड़ जाता है। बेटर होगा अगर बड़ा प्लांट है आपका, बड़ा सिस्टम है, तो 12 घंटा कम से कम वैक्यूम करना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। और नहीं अगर आपको इमरजेंसी है कहीं पे, फिर भी आपको 3-4 घंटा लग जाता है वैक्यूम करने में, जो कि 2 घंटा कम से कम लगेगा आपको ये एयर निकलने में, स्मोक आता रहेगा 1-2 घंटा तक, उसके बाद भी आप लोग कम से कम 2-3 घंटा इसको छोड़े तो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग माइक्रोन में कर रहे हैं तो माइक्रोन 500 होना चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। और अगर आप लोग होल्ड करके देखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है नाइट्रोजन भी होल्ड किया, कई बार नहीं भी किया, तो उसमें क्या होता है वैक्यूम हमने कर लिया तो वैक्यूम को भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं। माइक्रोन में है तो उसके प्रेशर में चेंजिंग आएगी। मान लीजिए हमने 500 माइक्रोन इसमें वैक्यूम किया और उसको होल्ड पे छोड़ दिया, बाद में हम अगर देखेंगे 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद अगर प्रेशर में माइनर कुछ चेंजिंग हो रहा है तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये माइनर लीक है, अगर वहां से चेंजिंग होगा। अगर PSI गेज में कर रहे हैं मैनिफोल्ड में तो -30 PSI हम लोग इसको करेंगे वैक्यूम, और बाद में जब होल्ड करेंगे तो उसमें अगर प्रेशर में चेंजिंग आएगी तो मालूम चल जाएगा कि इसमें लीकेज है। और जब ये हमारा वैक्यूम प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद है, जैसे मैं R22 की बात करूं रेफ्रिजरेंट की, तो सक्शन में अगर हम लोग डाल देंगे इसमें लिक्विड तो उससे क्या होगा, कंप्रेसर जो हमारा ये है इसका मैकेनिकल डैमेज होगा। मैकेनिकल डैमेज होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंप्रेसर होता है तो मैकेनिकल सिस्टम होता है जो गैस को कंप्रेस करता है, तो वहां से वो चलते हैं और वहां से वेपर फॉर्म में लो टेम्परेचर लेते हैं और लो प्रेशर, और उसको ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बनाता है, तो उसमें इसका मैकेनिकल का पूरा रोल होता है। अगर वो प्रेशर लेगा लिक्विड फॉर्म में, फ्रिक्शन पैदा होगी, क्यों, ये ऑयल का लुब्रिकेंट होता है सारे मैकेनिकल पार्ट्स पे, तब ये जाके गैस का कंप्रेशन करता है। अगर लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा, अगर वैसा लिक्विड आ जाएगा तो उसके अंदर लिक्विड आने के बाद फ्रिक्शन पैदा होगी और ऑयल लुब्रिकेट नहीं होगा, इसकी वजह से कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो इसलिए सक्शन में कभी भी हम लोगों को लिक्विड नहीं डालना चाहिए किसी भी कंप्रेसर में,
लिक्विड लाइन में जैसे वो है, वो भी लिक्विड लाइन है या कूलर में, एवोपरेटर में डायरेक्ट अगर आप डाल रहे हैं, तो एवोपरेटर का काम होता है गैस को वेपराइज करना, मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज करना। तो एवोपरेटर में डायरेक्ट हम लोग डाल सकते हैं उल्टा करके सिलेंडर, और नहीं तो हम लोग लिक्विड लाइन में डाल सकते हैं। लिक्विड लाइन का मतलब ये कंडेंसर का लास्ट वाला हिस्सा जो आप लोग उधर देख रहे हैं, हमारा ड्रायर कोर फिल्टर होता है, फिल्टर ड्रायर कोर या फिल्टर ड्रायर या ड्रायर कोर फिल्टर, तो वो हमारा लिक्विड लाइन होता है जो कि स्प्लिट एसी वगैरह में फिल्टर लगा हुआ होता है कैपिलरी के पास में, एक्सपेंशन वाल्व के पास में, वो हमारा हमेशा लिक्विड लाइन होता है। इसलिए लिक्विड लाइन से डालना चाहिए, उल्टा करके सिलेंडर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सक्शन से कभी भी नहीं डालना चाहिए। और जितने गैस की जरूरत है उतना गैस हम लोग डाल लेंगे, वेट के हिसाब से डालेंगे तो सबसे बेस्ट है, जो कंपनी का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, इतना किलो गैस इसमें जाएगा, उस हिसाब से वेट करके डालेंगे तो सबसे बेस्ट है। एक बार में सारा हमने गैस डाल दिया और बाद में सीधा सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इनकी इसकी ज़रूरत हो और उनकी भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।